गई है तो हम की चिचड़ रगड़ते रहते हो। दादा जी वैसे दादी अम्मा बहुत होने साढ़े घर पहली बार आए हो। जो पिस्तन जिंदे होंगे सी तैयार करके उन्हें शहर करना। दादा जी ऐसी कही गल दादी अम्मा बहुत होने से मिल गई है। असं तो जीने ना अभी पुत्र हाँ पोतरे लगने असं आप तुम तैयार करा मुश्कपूर लावे नक च रूम वाड़ा लख लानत तेरी खिदमत ते। जी सवेर तक जनाबा पड़े वो ही जेन चो निकलन डे खबरदार गलत मत था जाना हूं। डैडी वैसे दादी अम्मा मेनू बड़ी हरी पाप मिले दे मिलू तो जो भी मिलते हैं दादे नू कई मैं बड़ी उदास हुई है किसी ने चक्कर ही ला गया बड़ी आउतरी है मैनू कुछ आंदी है तेनू कुछ आंदी नहीं। दादा जी हम जी गल कर सकते ने मेरे ना तो नहीं ना मानती बहुत गलत बनता मैनू भी दो तीन नरी तेरी दादी खाब च मिली है। मिली होनी है जी वो नहीं मुड़ती मैनू आती है खबरदार जो कला आया अच्छा नाल पोतरे नू लेके आई इतने बह के चटनी घोटो मैं बोतल लै गया एक बोतल नाल की बनता है इत चाटी भरी होवे सावन आपां दी विच लून का डला सुटीए सावन आपां मत्थे नू वज्जे अद्धी पीए अद्धी नल नहाइए सवाद आ जाए मुंडिया नू की पता खान पीन मर जा रहा अंदर मर तेन मैं दस रही हाँ इधर मर तेरा सत्या नाश जावे तेरा कख रवे इधर मर फिर सही सत्या नाश जावे फिर तेरा कुछ लगता दस वे क्यों दसी थी क्यों की थी दस में तेरा फिर कर दी अभी तेन गलत फहमी हुई है मेरा वो मतलब नहीं सी हां जी हैगा वो ही सी कुछ भी नहीं तो लाना शुरू करता सू छेती दस की होया छेती दस की होया हम मुंडी हो कोई गल नहीं दसन वाली होंगी पूछ लैन दियो तुम्हें अपनी तबीयत रंगीन की छेती दस की होया मैं बाहर निकली हूं मर जा गेट लुक के बैठा हो अच्छा मैं कोलो लेंगी अच्छा मैं कहना है हला हूं मेरे जनाब प्यो लगते हो किसी ने दसिया होना ये बाबे और तत्ते करके तुम पाए असि नहीं तत्ते किए आप ही अंगीठी पकाते रहेंगे। दादा जी मेरी गल सुनो मेरी गल सुन लो पहले बाद च भावे भेंडी ला सजावता उन्होंने पूछ लो तुम मैंने कहा नहीं कि दादे हुई आन के मैं तेन पछा देंगा कि दर्दा वास्ते टीके होंगे ने आहो ये तो मैं क्या सी? क्या सी ना? ते मेरे सामने दादे हुई अंदर बड़े ने अच्छा ते मैं क्या यार डॉक्टर इधर उधर हो ते मैं दादे गल करा अच्छा इन्हू मैं डॉक्टर का गया अपने रोल पाले सदके जा
के जावा बई कड्डो टैंकर कड्डो टैम कड्डो सदके एवी जाई जान दे मर जाने तेरा इस तरह मैं भुलेखे पाती मासूम न बच्चे ने कहा मासूम है चलो मैं कह दादे को पुछ ली चल मैं कह दादे को पुछ ली चल जाके बोतल लैके आ दादी क्या हाल है जुनेद टिम्मी कहां हो तुम अदनान बोलते क्यों नहीं हनी हनी ते ना कहो तेरे मुंह हनी भी लोक लगन दिया क्या हाल है रऊफ लाला मेरे रऊफ प्यारे मगर ही पै गई है शीता मुसलना चल बोतल ले गया दादा यासे काश मैं गदियां हुंदा ते भावे ना हुंदा तू अपना काम करी जा ते अपना विचों काम कढ़ी जाने चल बोतल ले गया जाओ बुजुर्ग ने प्यार ना गल कर लवा मैं क्या की हो रहे सोने कोई वेला कुवेला देखी बोतल ले गया मैं क्या मेरे आस्ते सेवन अप लेंदे आना जरा चख लेना फिर मर जा किधर मर जा तू मरिया पिया महसूस भी करो ना मरिया पिया महसूस करो ते जेड़ा दफन होया पिया वो ना करो ए दफन हो कवर च खुतियां कटन दे दादा जी मैनू इथे ही ला दियो ओ चाचा सराज नहीं आया कि बाहर वेख रक्षे आले ना लड़न दिया एक ते चाचा सराज भी सीधा कर लिया ए मैं क्या तैनू दर्दा कर दिया ने दाया या या। दस के ना बोलिया करो मैं बेध्यानी च बैठा आप ना लफज की समझ आवे ना खुश हम आया ना तैनू दर्दा का दिया ने स्टील दिया जे किसे भांडियारे को छितर खा आराम आवे और दादा जी कारियां दर्दा होनी ने गोडिया च बस एवं पीड़ा शुरू हो कोई इलाज करवाया है इलाज कराया मैं के मैं जनाब सरगम वीडियो अच्छा जामनगर आले को टेस्टा वेखिया आला हर किस्म दिया आला मैनू राम ही नहीं आया एहो जिया केस्टा नाल ते दर्दा बद जांदिया ने फिर मैं निके अपने मुंडे नु दम करा के डौले ते बनिया आला मैनू राम ही नहीं आया फिर मैं दुध मूलियां फैंड फैंड पीतिया आरसी कोले ना आंडा खादा छोरे वाला साग पीता मैनू राम नहीं आया जी आ कोई इलाज तो सही करवाया नहीं क्यों शेर दे मुंह सिर दिता ही शेर दे मुंह सिर दिता फिर शेर थुकदा फिरदा सी जबान ते सप लड़वाया ही लड़ाया फिर सप फुड़क के जा पिया सी कान च गंडोया पा के नक था नहीं कटे आई ए तुसी हकीम हो के सामरी जादूगर कितों चीज पा के कितों की कटन दे मैं मुंह च नेफा बुआया हाँ सियाने दिया गल्ला ने एक जे सियाने दी मेरे अगे गल ना करना क्यों एक सियाने ने मैनू बड़ा खजल किया आंदा है कहिंदा जे किसी दी धी भैन नू ना छेड़ा ते अपनी नू भी कोई नहीं छेड़दा हला
मैं जनाब महल च नेक हो गया, टोपी पा के फिरन डे पिया। जो मैं अपने घर बढ़िया मेरे घर रश लगा। अच्छा ते ओ तुहाडा घर है? आहो ए उस रौले च तुसी भी सो? मैं क्या हर को मरग होई। अच्छा ए नहीं सी पता मौत पई। सियाणियां दा आखा ते औलियां दा खाता। ए मेरे हथाल वेखो ना करो सियाने दी गल। क्यों? एक सियाना मैनु कहिंदा कुत्ता पवे ते बह जाईदा। हला फिर कुत्ता मैनु पिया, मैं बह गया। मैं बैठा रहा, कपड़े मेरा कुत्ते लै गया। अच्छा कुत्ता पवे ते बहना नहीं चाहिए? कुत्ता पवे ते कभी ना बहिए। तो मैं क्यों बैठा? वेख लो ताडी असी इनी इज्जत करने, तुसी साडे नाल कुत्ते वाली करन डे आए हो। तुहाडा ते कुत्ता भी आवे असी कहने कि तुसी आप आ गए हो। मैनू पता हा तू प्यो जिन्नी इज्जत करना है मेरी। माड़े हो गए उन्नी बैठिया जान दिया। उम्र जो ना रही बाकी जी की आंदे ने कच्चे कोठे नू जे कर लिंबिए ना ओते टहिंदेयां टहिंदेयां टह जांदा। चुगल खोर नू जे कर ठाकिए ना गल कहिंदेयां कहिंदेयां कह जांदा। निक्के बाल नू बदी तो रोकिए ना पठा बहिंदेयां बहिंदेयां बह जांदा। बुढ़े बंदे दी होवे ना टैल सेवा होते रहिंदेयां रहिंदेयां रह जांदा। बहुत अच्छे अपना कैमदीन साहब। सप्पां दे पुत कभी मित नहीं बनते। सप्पां दे पुत कभी मित नहीं बनते। भावे चुल्लिया दुध पियाईए त्रेकां नू कभी अंब नहीं लगते। भावे रज रज पानी पाइए जिसम की गर्मी दूर ना होवे। भावे सड़क च नंगा नहाइए। वाह जी वाह। जिसम की गर्मी दूर ना होवे भावे सड़क च नंगा नहाइए ते बांदर कदी सूर नहीं बनते भावे सोफे उत्ते पाइए। बिल्कुल सही मेरी नकल करना है। मैं लगता मैं किधरे ब्याह करके भूल गया। इधर आ इधर आ। ए दस भाई कोई दर्दां दा परहेज कीता ही है? परहेज परहेज मैं कीता की तुहाडे घर को नहीं लगदा। मैं भी कह दिया सा अजकल बो नहीं आउन गई। मैं पियाना ठंडा ना पी ठंडा। केड़े टाइम ठंडा मना कर लिया? उरा कर नी ठंडा सदके जावा। उरा कर नी ठंडा पर मर जागे। उरा मर आके मेरे नाल एहो जी गल नहीं करनी। तेरी गल किदे नाल करनी है? चुप मर जाना। ईद बोतल पीने का गरीब आदमी। पढ़ो दादा जी। बुरा कर बोतल गई। बिस्मिल्लाह। प्याणी है तो खोल के हिलो। मैं क्या दादा जी? हाँ चाचा सराज की तो छट आए थे। अब बोतल पीन दे। कई बार क्या तेन बोतल लंबी करो क्यों? एवं गोडिया की पानी जो फिर खट्टी भी नहीं होनी जानी। आ गया मेरी खुरा
ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ? ਆਲਾ ਫਾੜੋ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਰਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੀ ਦੇਤੀ ਉਹ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਭਰੇਗੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਗਤ ਰਾਜ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 13 ਰੁਪਈਏ, ਉਹ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ, ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਢਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਦੋ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਨੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਡਈ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਨੀ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੀ? ਹਾਂ, ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਹਾਂ? ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ? ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਨੋ, ਇਹ ਬਖਸਿੰਗ, ਇਹ ਬਾਉਂ, ਇਹ ਬੰਨੋ, ਇਹ ਬਖਸਿੰਗ, ਇਹ ਬਾਉਂ। ਪਰ ਮਰ ਜਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ? ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ। ਹਰਾ ਯਹ ਬੰਨੋ, ਯਹ ਬਖਸਿੰਗ, ਯਹ ਬਾਉਂ, ਗੋਵੈਂਟ ਗਾਨ। ਹਰਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਜੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੋਵੈਂਟ ਗਾਉਂ, ਗਾਉਣ ਗਾਉਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਗਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਮਤ ਬਲਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਪਰ ਖਾਓ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 1932 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਬੰਬੇ, ਬੰਬੇ 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 ਝੁੱਗੀਆਂ। ਇਹ 32 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 31 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। 32 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਫਿਲਮ ਚ ਲੈਲਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੈਲਾ ਦੀ, ਲੈਲਾ, ਲੈਲਾ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਲਾ। ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਚੁਣਪ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ। ਆਹਾ, ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ। ਆਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਚੁਣਪ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ। ਆਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਭੰਡ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ। ਆਹਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਚੁਣਪ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਨਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੇਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੇਲੇ ਥੱਲੇ ਨਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਢਦਿਆਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੱਧਿਆ ਖਾ ਗਿਆ ਲੇਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਫੜੀਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਲਓ ਜੀ। 1920 ਚ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਚੀਨ, ਪੈਦਲ ਨਾ ਬਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾ, ਖਜਰਾਬ ਤਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਅੱਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ 1935 ਚ ਮੈਂ 60 ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਕਿਆ।
ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਧੁੰਮੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਵਾਨੀ ਚ ਮੈਂ 20 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਹਾਂ ਓ ਸ਼ੇਰਾ ਆਹਾ 20 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦੀ 1904 ਚ ਮੈਂ ਵੜ ਗਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਰ ਤਿਕਰ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਕਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਦੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਹਾਂਜੀ 1860 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬੋੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋਰ ਫਸੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ 1902 ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਔਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਬੂਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਫੱਟਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੀ ਬੋਲਿਆ ਲਾੜੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪੀਏ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਐਸੇ ਕਮਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਆਣਾ ਬਈ ਰੋਟੀ ਕਈ ਲਵਾ ਲੈ ਸਾਫ ਕਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਥੁੱਕਣਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਲਾਲਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਨਾ ਦਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਟੀਕੇ ਚਲ ਜਾ ਨਾ ਸਿੱਧੋ ਉਹ ਪਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਲਈ ਓਏ ਦਾਦਾ ਤੇਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੇਲੇ ਚ ਫੋਟੋ ਵਿਕਦੀ ਹੂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਜ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੁੜੀਆ ਚਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਭਾਈ ਬੜਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਸਕ ਭਾਜੀ ਕਰੀਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੁਸੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਤੋ ਮੈਂ ਵੋ ਭਾਗੇ ਆਪਕੋ ਲੈਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਰਹਤੇ ਹੋਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਆਪਕੀ ਸਿਹਤ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਰਹਿਤੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਸਾੜਦਾ ਰਹਾਂ ਜੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਸਰਾਜ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਆਪਕੇ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਆਪ ਗਾਉਂ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਠੰਮ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਤਨਹਾਈ ਨਹੀਂ ਉਭਰਦਾ ਇਸ ਤੁਹੀ ਤਨਹਾਈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੋ ਜੈ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਆਪ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਅਖਬਾਰਾਤ ਮੇ ਪੜ੍ਹਾ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲੇਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਆਪ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਝੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬੱਦਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਹਨੇ ਪੀਏ ਇਹ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਫਿੱਕੇ ਚੋਰ ਸਿਰ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਗੇਰ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਚਣ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂਜੀ
जिन्हें 40 साल तो खेडना छड़िया हो वे, उन्हें अचानक फाइनल खेडन ले बुला लिया जाए, उदा की हाल होए? इधर तो दादा जी सोच रहे कि नहीं गल, वो खिडारी कोल करे ना करे उन्हें अपने खिडारी होने का मान होगा ना, और केंद्री पैर देना चले गोल कटा करना किथे सराज सराज वेलवेट कोल बैठा होना, यहो जा मौके दे सही मशवरे देता सराज अपनी मर्जी मगवा अपनी मर्जी चोलो विश्वास
गरीब जी दादा जी दसो हेगा चिकड़ वर्गा ते ना करीम रख लिया मालिका ने सामने मेरे पे इल्जाम लाने तुम शर्म नहीं आई ना दे हो दूधा अपने ते पुआ लवा अपने हाथ ला दूधा ग्लास भर के मंदिर आके आई हां तू नहीं पीता दस मैंने किने पीता है अंदर नहीं पीता पिया होने अंदर नहीं पिया तू फिर काले कपड़े पा लेने गोरा तेरा रंग तू मेकअप कर ली फिर पिछो निकल के आनी है मर जा रहा हर वेले मेरे ही मगर प्यार रहना है की है तेन चंगा भला सोना तेन की मैंने तू कहीं इतने नहीं लाया तू सोना है मेरे तेना शक कर ठीक है तू बच जा कोई वही कार ला गड्डी ला खो के ला गया मैं कितने तेरे मगर ना सब रहेगा मर जा रहा हर वेले तेरे में यही हाल उठते रहते ने मैं कह रहा वही गाड़ी ला खो के ले आ जाएगा शीतल का जवान है तेन की तेरे वर्गिया मरवादिया होंगे ने हम तुम शी वर्गा कह के बस च फैंडी पादिया ने खाने नाल बैठा एवं कहना मे भाई बगैर तो मेरे की वेला तर मां भैन कोई नहीं उठना झुडुआ फाड़े वो पांच सात बंदे मेरे मार देने फड़े तेरा नहीं बैठा था कि तेन छेड़ता ही तो मैं क्यों दसिया बड़िया बदुआवा दिखाई को बैठना बस कई फिके चलो पसंद होंगे कई नहीं होंगे मैडम जेल खोल देगी खबरदार मैं तो बड़ा सोना है बल्कि मजीद हो सोना हो सकना है किस तरह तो इस तरह कर पछी खा गए तो दुध पी ले मेरा घर बर्बाद होना तुम मछी खा के मैं दुध पी ले मैं तो टप पा देंगे लोग वेखे कहे वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड की टीम खेल रही है हसिया ना कर मेरे हसबैंड बिल पे क्यों रहा खावे चुक बच्चे चल पे क्या चल हजी बीवी होने ना मुंडे मां प्यो सामने खिलोते की गल है बाजी भी किसी की धी है मेरे गल करो की गल है मगर पैर होंगे सानू बखरिया करो फिर है ना लड़ गया क्यों ना हसा तू तो हसूस कर फिर तुर जाना मुंडे गरीब रात को पागल होके खंबे केंद्र ने तैती चौती चल वे अंदर अंदर चला जा मर जाना हो ले जाके मैं मेरी आदू दर वे मेरे नाम किथे रखे हैं वो जनाब करी पीछे मुड़ के देखो तनु पता लगे ना चीजा किथे किथे पईया ही हैं जनाबे अली मैं दूध के गिलास की गल कर रही था मैं अपनी गल कर रहा हूं जिदों दे दादा जी इथे आए ने सानू पूछण दे अपनी इज्जत कराए बंदा फेर रवे तुसी बहुत चंगा कह रहे जे बहुत अच्छी गल है एहतियात करना बहुत अच्छी गल इना कमा जे तैयार नहीं होती है जनाबे अली ना बवर्ची खाने से बाहर नाश्ता बना के रखे तुसी जाओगे कर लो जाओ मैं तो आके दस दिंदा ना टब रोटी का मक्खन किथे पिया साथ रहता जी सारा कुछ डोली च काश डोली च डब रोटी खाने तुसी होते मेरा नाम मक्खन होंदा ते अल्लाह ने घ्योर की औलाद देनी अपने ध्यान करो ते अपने खसम वेखो की अचार नाल जिंदगी गुजारन डे कुछ सेहरा मुरबा कुछ पूजने नहीं चटनी देखो जरा जी और जैसा भी है मेरा सुरताज है जो भी है चलो जी मैनु जज्बा जरा मैं बहुत पसंद है इस बारे में इज्जत जरा होर करना बंद हालां मेरी ये आदत नहीं
अंदर आके दस ही दौ भी मक्खन लाना किस ने लाना मैं आंदा है कि लाना ए देख चो निकलिया बस बस छुरी आना ए चीज भुलिया इस बारे कहना मेरी जिंदगी काफी जरूरी है चीजा दस दे रहा इंशाला बड़ा सोचिए मैं लाई का किस बाबे जो तो बीमार पैदे ने फिर उची उची लौड़ा पाते ने अल्लाह मेनू माफ कर दे अल्लाह मियां मेनू माफ कर दे मेरे को गलती हो गई है मेनू पहले शक सी दूध पीता ही तू है नहीं नहीं ऐसे कोई होर गल है होर केड़ी गल है मर जा रहा ना तो हवा लग जाएगी मैं लड़न जोगा नहीं तो मैं मार खा ली तो तैयार रहा ना क्यों मैं की करण बस कर दे बस किन की बहार है सुनील शेट्टी मर जा रहा हर वाले मेरे शक करता रहना की है शैंपू मल मल के सिर वाल लंबे की करना चंगी गल नहीं गई मेनू भी जा सके पाया आंदा शैंपू मर जाने इतने पाया आंदा की करेगा मेरा रंग काला नहीं गा ऑफ ब्राउन है टेलीफोनिया शीजे का ना गिलास बोलो हेलो जी जग रहा सौ सौ का घर कि मैं मेरे नौकर साहब बोल रहे हैं नौकर साहब ही होने मैं अद्धा घंटा जुराब इन्हें लाभ के दिया साहब किस में चलने का दफ्तर एक बार यखनी सारी मैं पी गई चाली का यखनी लाल निकलती बन नहीं सकती मैं भांडे तो मैंने टाकी गर्म की पानी चोर चुकी साफ साफ कालिया मिर्चा नमक पा देना के लोग पियो कहते हाथ बड़ी मजेदार है मैं क्या कॉटन यखनी है कॉटन यखनी 100 कॉटन यखनी प्रोफेसर चीमा साहब बोल रहे तुम हाँ जी चीमे के प्रोफेसर होंगे नहीं डॉक्टर चीमा साहब मेरे दोस्त ने मान चुस्तराले भाजी और जिमीदार करते हैं प्रोफेसर नहीं हो जिमीदार ने रिश्ते वास्तव तशरीफ लिया रहे हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये सारे घर हाँ जी मर जा रहा मदारी बात पता नहीं मैंने दस की कि फोन थी मेहमान आए यार प्रोहने गेस्ट हड़ाहट चार चुलक रख क्या तरबूज कट के रख मुंडा कि मंगनी हो जी तेरे अभी तेन मुंडा बना खबरदार होना सामने क्या मेरे अभी ने उन्होंने कहना मेरे भाई ने भाई जावन भाई जावन भाई जावन चलो मैं वे भरा बात मारी से निका भरा खबरदार जो मैं भजन किया क्यों मैं तेरा पति क्या लगना दादा जी इस हिसाब में तो मैं छिले जी होया ना तू छिले च नहीं तेरा हाले छिलका नहीं लखा अद्धा घंटा हो गया मैं पेंट शर्ट बन गया तुझी पाकर फिरन रहे हो पत्थर जी ने क्या थी ये नाप देने से पहले शर्ट पा के आए दादा नाप मैं सूट सवाउन दिया दादा जी वैसे कफन नु सलाइया नहीं बज दिया यो चंगा गल्ला तो बाद तेरे लड़किया नु जुतियां बड़िया बज दिया पर की करा इथे आके मेरे मुंडे ही किथे पै गए इथे ढिले पै गए पिंड की साडा नाम लंगी सी परौंठे दियां पिनियां घुट के पागला तेरी परौंठे दियां पिनियां होईयां ऐ देखो जिन्हां दियां पिनियां ने उन्हां दी हत्थ चुकी माशाल्लाह अज किधर चले हो अज ते लगदा जिवें मैट्रिक दा नतीजा सुनन चले आहा मैट्रिक तो इन शर्माए ने कि दूसरी च पढ़ते बाद पता लगेगा
जी इम्तिहान की सी ते नतीजा की कभी साडे बगैर पूछे डीज गेंद नहीं सर खड़ दे आज पता नहीं किधर निकल गया लो मैं गोलकीपर को बैठा जी मेरी लोड़ पई तो बुला लेना हेलो जी जी डॉक्टर साहब का कार्य जी 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 अच्छा और जनाब तुम उतनी करो जा पा के तुम लाई जाते हैं और नहीं तुम भी इस तरह कर लगता अभी खुद आ जाने जी मां साहब जी हमने आए जी खुदा रिश्ते वाले कर नहीं लगन दिया वही सड़क से बैंक करके खलोते ने चलो ना लैन चलिए सड़क खलोते मेरी गल सुना साहब जी कपड़े बैठे सब बना के देंगे ने खबर साहब तुम मेरे कपड़े से दराज किया तू बाजी क्यों नहीं कहती डेंगू वाले मैं मानता ही नहीं हूं मेरे सामने क्या भाई जान चलो बाहर जाओ जान सुनता नहीं अजे को पति चक्कर है तो मैनू तो फारे करो बेवकूफा कादा चक्कर होना नौकरा नहीं है यार नौकरानी नौकरानी कह सकते जे मेरे खावा दे सामने मेनू भैन नहीं कह सकते यार गल सुन तू तो चंगा बड़ा खूबसूरत है तेरा तो विआह कितने ना कितने हो ही जाना मैनू यह बीवी देगी मैनू यह बाद किसी ने कैलेंडर नहीं देना तू लान पिया कैलेंडर का सोचना क्यों जो तेरा मूह है तू जंतरी चो तो ईख वेखिया कद अपने आप को अलाप पाया इनी बेदबारी है तलाक क्यों नहीं देता की वक्त पाया अपने आप को साई लोग दही लैन गया भी सोचता रहा हाए पिछोरे की होता बंदे सोच लेना पिछो बच्चे का खरे की हाल होने होना तेरे वर्गे वो की हो जाएगा घर जा हो जाएगा की हो जाएगा की हो जाएगा एक दिन लगा रिश्तेदार बड़े गरीब ने इन्हों से बड़ी साल करा तो कहना बड़ी सोच से छट गया चारे गरीब सड़क मैं पता मुझे एक मरीजा को देखने जाना मरीजा मैं क्या हूं मिले तुम पैदल ही जाते हो गलिया च नुक नुक आ गए फजूल बात कर रही है तू नहीं कर रहे उसकी हालत खराब है मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उसे चिन्हा पार्क ले जाओ चिन्हा पार्क नाराज तो मैं डॉक्टर साहब छत्ती मैनू बीमारियां ने तो मैनू दवाई क्यों नहीं दिखती जा रही यार मैंने तुम्हें जितनी मरतबा कहा तुम्हें कोई बीमारी नहीं फिर क्यों मुंह उठा कर चला दो मेरे को ध्यान चिंता रहे डॉक्टर साहब मैं थोड़े को दवाई लेते बगैर नहीं जावगा टीके लगवाए टीके मैं नहीं लुआने सोने टीके मैनू पीड़ा करते ने मैनू दवाई देनी तो साथ ही दे भाई इस वक्त मुझे एक मरीजा को देखने जाना है आधे घंटे के बाद कभी नहीं हो सकता डॉक्टर साहब तुसी मैनू दवाई दिते बगैर जाओ और मैं तेरे दुखा समझना है दुआना एक गल याद रख पहले जवान हो जानते हो जा नहीं बोली ना हुंदा जान लग्या पैण वाला फट लाता टाकला अब तू गल करनी मुठियारे क्यों है मुझ चुक गया कहते भज भज के दराना मैंने की क्या है दस और जे अज पूछी ले तो सुन मैं तेनू चाहना मैं तेनू वेखन आना
मर जा रहा तेन पता नहीं मेरा करीम नाल विआह होया खेरे तो मैं डाकुआ को चुकवाण की कोशिश की है पर डाकुआ ने आके मेनू जुतियां मारिया ने उन्होंने कहा असी बंदे चुकने का कूड़ा नहीं मैं उन्होंने उत्ते कारा इलम भी करवाने की कोशिश की है पर आप इलम नो काफी काल है मैं उन्होंने असली जहर भी दिता है अंदर जाके जहर खुद फौत हो गया है की कह रहा बाबला अपनी दिया दे कर अपने हथा नसा दे तू कहो जा प्यो है जरा अपनी दीदा कर अपने हथा नबाह कर दस वे कहो जा प्यो तू कहो जा प्यो कहो जा प्यो तक इधर मुंह नहीं करांगा जदों गल नहीं भुलांगा मर जा बड़ा ढील थे आप तशरीफ ले आओ की कर ली तो चलो चलो जाना चलो आओ बिस्मिल्लाह लो जी गल सब तो छोटी बची डेढ़ महीने की हो गई जी जी बिल्कुल जी खाले घर छा आराम कर दे भाई जी अगर उन्होंने घर छाऊंगा तो गड्डी कौन चला अच्छा ये वैसपा खाला जी चला देने जी वो बेड़ा गर्क अच्छी स्कूटर से आवे जी वही तो खाना खराब हो गया जे बेड़ा गर्क हो गया जो मैं तो गड्डी समझ के डिग्गी लड्डू की टोकरी रख बैठा वो तो हल तक सड़क तो पई होनी चलो लोगों ने खा ली होनी सड़क बनने की खुशी जी कमाल गल है जी मैं मेरे ख्याल गड्डी जी ना वो ले जाती कुड़ी ले जाती जी उस बच्चे ने पढ़ाई का बड़ा शौक है जी कि ले जाती जी कल ले जाती कल जी अच्छा अच्छा आओ ना दसी माशाला ना आप तोल के खान दियो तशरीफ रखो इशारी निजाम जी सारा जी चक्कर है ना जी जी तुसी की फरमा रहे मैं कह रहे सर जी बच्ची जी माशाला दिन रात पढ़ती रही है जी पढ़ती रही मेरी मां का हिसाब ओदा की हिसाब है अजकल जी मैं वैसे दसन कि मेरी मां भी सारी रात गिटका पढ़ती रही है अच्छा अच्छा गिटका पढ़ती रही है यह मतलब कि किनिया को फौत की होंगी थोड़े वाल साडे इलाके च जिन्नियां फौतियां होंदियां ने जी साडियां शक्लां ने दरअसल रोण वालियां ठीक है पर साडी खिदमत हासिल कर देने जे असीं जाके रोने आ जाके कोई खिदमत होई ते दसना जरूर दसांगे भाई जी इसे ग्राउंड च बह जांगे भाई जी इन्हां बनेरे तो उठाओ नहीं तो होर परौने आ जाणगे चलो शाबाश वैसे मैनू तुहाडी बच्ची का फिक्र पै गया की किस गल दा भाई तुहाडी बच्ची डेढ़ महीने की है तुसीं रिश्ता वेखण आए हो असीं वरी विच पोतड़े लियावांगे जाहेलो सब तो छोटी बच्ची का दस रहे डेढ़ महीने की है अच्छा जिसे रिश्ते वास्ते आए ने सब तो वड्डी बच्ची है तो ढाई साल की होगी वो भाई जी मैनू होर भी काम ने अच्छा की होया तुहानूं दिमाग खराब हो गया कौन है भाई होरी खाम खा माफी चाहना जी कलच तो पैर चुक लिया करो सारी दुनिया शौक नाल मोहब्बत नाल पूरी दाड़ी रखते ने पांच वक्त पढ़ते ने जी तुसी थोड़ी जी रखी है नवाए वक्त पढ़ते हो करीम ए करीम है जी हाँ जी ये लुक चो कड़ी है जी दबाओ जा जाके चाह ते केक ले के आ केक को किस तरह खानी है मुंह चंद्रा मारे है तो बात आ रहा कि नहीं है किस तरह खानी है पछाण लिया अच्छा ये मतलब मैं तो मैं वैसे कह रहा मजाक तो अलावा बेगम साहब ने मैं पछाण लिया खाला एक बार अच्छा और रात को गुलबर्ग फुहारे को नहीं खिलाते बेवकूफ जी
नौकर कौन होंगे? कमरे में बदलने वाले नौकर की रखे हैं। बुरी गल है हमें किसी के कारोबार में डिस्कस कर रहे हैं। इधर आना जनाब, तशरीफ रखो ना। रखी है तशरीफ, इन्हों मैं कटा का नौकरी नाराज कर दी पढ़ा। बड़ा तेज आदमी है जी, इन्हें बस के तेरे तानू वेलां चुक दिया वेली है। बैठो जनाब, बैठो ना जनाब। तू यार मैं अंदरों अंदर वेल्डिंग कर चीमा कोई अमी की गल नहीं, जे बाहर निकले निकल अंदर आवे तो मुंह से ढोलकी मार ला। मारो तो खंग नहीं निकलती जी। वो नहीं जी, इस जी सत रपती खंग है जी, तो खंगन तो पहले तरह चंगी तरह ठप्पे ला लिया करो ना। ये जे ठप्पे ला ली फिर पिट्ठू गोल गर्म हो जाता जी। बच्ची के नाल पढ़ती रही, साइंस नाल बड़ी दिलचस्पी है जी। अच्छा, ये साइंस कि डाकू हो गया जी? ए साइंस माशाल्लाह जी। यार की गल की है तेनू? मैं गल नहीं समझी। तू गल क्यों नहीं? सब्जेक्ट की गल कर रहा। अच्छा अच्छा, सब्जेक्ट की गल कर रहा। दो दो सब्जेक्ट मुश्किल, एक बात नहीं देख साइंस। साइंस पढ़ती रही, साइंस खासी दिलचस्पी है जी। माशाल्लाह पूरा साइंस पढ़ पढ़ के पूरे कानून ने लेबोरेटरी बनाया हुआ। वाह, अपने लोगों ने अमरीका ना मतका लाया जी। मेरे दो भरा अमरीका होंगे ने जी, मैंने पता उ टैक्सी चलाते। वो तेन भी होंगे तो मेरा की कर लेना सी। दो भरा होंगे तेरे, एडा भरावान वाला इजाजत हुई ना जी? इजादात जी हाँ, जिन्हें भी इजाजत हुई साडे खानदान के पिछों करके हुई जी। माशाला फिर तो सारी फैमिली साइंसदाना दी ऐसी जी। मैं की तुम लगी बड़ी खुशी आई जनाब, साडे खानदान च भी बड़े बड़े वड्डे साइंसदान होए ने। अच्छा जी, ओहो हमें कल जगह नहीं। मेरे जेडे दादा जी सन, दादा जी उन्होंने एक ऐसी घड़ी याद की जेडी टाइम पुछदी सी। भाई जी ये टाइम पुछती थी, ये टाइम लांदी भी सी। और नहीं जी, गुट ते बंधन वाली घड़ी सी, गड्डी को खिलारण वाली नहीं सी। ए गड्डी हो रहे होके खड़े हो जाओ, तशरीफ रखो ना। खड़े हो जाओ, खड़े जाए तशरीफ रखो जनाब। रखिए तशरीफ। अज कल से मेरे वाल साहब ने एक तजर्बा किया। अच्छा, वो तो नजर आ रहा जनाब। नहीं जी, उदो कम सीखते सन पे जी, इन्हों जी उदो हाथ सीधा नहीं सी उन्होंने। अच्छा नहीं भाई, तुम्हें दस उन्होंने एक तजर्बा किया जी। उन्हें एक ऐसी रस्सी ईजाद की। रस्सी जी? वाह, रस्सी ईजाद की कुत्ते के गल च पा दो। कुत्ता जो पौंकता से गला कुट लेंदी सी। साइंस है, साइंस। रस्सी गला घुट लेंदी सी जी? हाँ जी हाँ। तो रस्सी तुसी खुद ने इस्तेमाल की थी जी? भाजी कितने जी हूं रस्सी? मैं तेरी गल समझ गया सारी। अच्छा एक गल नहीं, मैं तुम दस तजर्बे उन्हें होर भी बड़े बड़े किए। उन्हें आंडिया के मझ नू पा दिता जी। आंडिया से मझ नू पा दिता? हाँ जी, अगर आंडे टुटते ना तो चूचे निकल आए सर। लो जी, मेरे एक चाचा जी सन। अच्छा अच्छा, उन्होंने एक ऐसा तजर्बा किया। अच्छा जी, उन्होंने जाम नू इचो गिटक कढ़ के विच गड्डी खिलार दी। भाई जी, उन्हें जाम नू नाल ज्यादती नहीं की थी?
ते तुहाडे वालिद साहब ने आंडियां नाल भला कीता जी। मैं तुम की दसा हजूर का जरा पहला तजर्बा सी जी। अच्छा तुहाडा वड्डा भरा आ गया भाई जी तजर्बा किया मैं कहीं ज्यादा की मैं गल करना। अच्छा अच्छा उन्हें कैसा तजर्बा किया उन्हें पौंड दे विच डीजल इंजन रख दिता जो ना मैं पौंड दे विच डीजल इंजन रखिया ए पौंडी उन्होंने शुरू माशाल्लाह साइंस के जरिए तुसी गंद भी बड़ा पाया भाजी अपनी अपनी हुक दी गल है जी। मैं तुम दसा जी एक ऐसी उन्हें पतीली भी ईजाद की अबा जी ने जी हाँ बिल्कुल वाह ऐसी पतीली ईजाद की जेड़ी मेहमाना वेंदे सारी अपने आप ही चाह लैके टेबल उत्ते रख जाती वाह पतीली साडे कोल भी है जी मगर पतीले कोल पई होवे ते फेर नहीं आती जी। ओ बिस्मिल्लाह का सदके जावा भाई हुण रौनकां लगनगियां भाई किधर मौजा हो गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जनाब की हाल है? बिल्कुल ठीक है जी। अजकल पट्टी साहब ही हो ना अगे एक बार मैंने मिले सा उन्होंने दिनों च मलक सा। अच्छा अच्छा बैठो तुम सिर रखो जी। ए अपना केड़ा जी ने अंदर वर के अपरंटी स्टॉक दे दिता और जनाब चाचा जी ने। अच्छा सीटियो सीटियो चाचा जी ने जी मेरे भी बड़े बड़े साइंसदान ने। अच्छा जी फिर खूब बुझेगी जब मिल बैठेंगे साइंसदान तो अपने जी भाई जी जी अज करे तुम भी अपना कुछ ईजाद किया? नहीं जी मेरा हाल व्याह ही नहीं हो मैं अजे कुछ नहीं ईजाद किया। चाचा जी साइंस की गल हो रही है। साइंस तो साढ़े घर की बांधी है जी। बांधी नौकरा नौकरानी हुई ना जी। मेरे वालिद साहब पिछती ही बहुत बड़े साइंसदान गुजरे। अच्छा जी मेरे वालिद साहब ने एक चौल च हवा भर के पूरा वलीमा भुगता था। जाओ तो वलीमा भुगता सैंसी गल जी। हाँ जी सैंसी गल जी मेरे नाना जी ते दादा जी जी ये दोवें सके भरा सन। तू मेरे खुदा पाका वो मेरे तुआ जी दिमाग खराब कर छड़िया एक चाली पा दी प्या दो चाली पा चाली पा अच्छा प्याली चाह दी जी हाँ जी वो जी कोई ऐसी बुरी गल नहीं है तुम जरा हिसाब लाओ ना भी नाना ते दादा सके भरा नाना ते दादा सके भरा ये तो फकीर का सालन ही हो गया जी। दादा का फल है जी ये मेरे शहर च सारे पता है। अच्छा जी ये सारे गुजरा में मशहूर सन नाना ते दादा सके भरा सके भरा जी ये किधरों मिलके हो बी ये अगे जाके ना तीजी पीढ़ी च हो जाता है वाया पीढ़ी हो ना आइया वजी ठीक है वैसे। और मेरे नाना जी ने नाना जी ने मेरे नाना जी ने कहो जी ट्यूब याद की उस ट्यूब के थले बह के पूरा महला पढ़ता। अच्छा जी और कई बार वो ट्यूब अख च भी पा लेती सी कभी वह कन्न च ट्यूब पा लेती सी कभी वह ट्यूब जी मेरा दादा जरा नहर च लैके चल जाता सी अज आके वह ट्यूब अंग्रेज टेस्ट कर लग पे ने। सच्ची जाओ भी थोड़े तजर्बे ने जी मैं क्या गल की थी है जी चुप घर च भी पाली गोडे से भी आ गई नहर से भी ला गया जी हूं अंग्रेज टेस्ट कर जी मेरे वालिद साहब ने एक तजर्बा किया जी। वो जी ताडे वालिद साहब ने की करना तजर्बा जेड़ा मेरे वालिद साहब ने किया। अच्छा जी मेरे दादे का एक भतीजा सी। अच्छा अच्छा और मेरे नाने का पुत्र
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੱਚਾ ਮਾਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਰ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਸਰ ਪਕਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਸਰ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਹਾਂਡੀ ਚ ਚੜੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਸਰ ਐਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਪੱਕਦਾ ਜੀ। ਬੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ। ਇਹ ਮਸਰ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਗੱਲ ਜੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੋਲੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ। ਹਕੀਮ ਸਨ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੱਕੀ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਫੱਕੀ ਨੀ ਗੁੰਨੀ ਗਈ ਗੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਵਾਰਵਲ ਦੀ, ਲਵਾਰਵਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ? ਲਵਾਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲਵਾਰ ਸਪਤੌਲ, ਸਪਤੌਲ ਕਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਜੀ, ਫਲਾਸ਼ਨ ਕੋਫ ਦੀ ਨਾ, ਫਲਾਸ਼ਨ ਕੋਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਪੌੜੀ ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਫੈਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੋਲ ਹੀ ਗੋਲੀ ਫੜ ਲਈ। ਬਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਖਸਮ ਜੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਖਸਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਲੇਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੋਟਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਐਨਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਮਰੇ ਚ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰੀਨ ਦਾ ਫਨੂਸ ਆਇਆ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਦੀ ਹੱਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ, ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। 4000 ਵੋਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਨਕ ਲਓ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਾ ਖੁੱਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਓ, ਹੁਸੈਨ ਮੰਜਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਗੁਫਤਗੂ ਬਈ ਦਬਾ ਜਾ ਉਧਰ, ਬਦਤਮੀਜ਼, ਚਾਹ ਫੜ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲਫ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਕਲਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨੱਕ ਨਾਲ ਖੰਡ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਨਕ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਨਕ ਲਾਓ ਲੱਗੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਲੱਗੀ ਕੀ ਗਰਮੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲਾ ਲਵਾਓ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਜਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਜਾਦਤ ਦੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਚ ਛੱਡੇ ਆ।
अजीब गल है, तरीका उन्होंने करना, तुम एवं अपने दिलान दो। पर बहुत वे साइंसदान अंग्रेज हैरान हो गए। अच्छा जी, एवं करके राहो का गिलास चुके। अच्छा, अंग्रेज देख रहे ने साइंस होने लगी, ऐ करके चुकिया राह का गिलास। अच्छा जी, पीता जिथो चुकया उथे रखता। मेरा ख्याल अन्ने हो गए जी, जो विकी पहले मेरे दादा जी 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 सब तो पहला बड़े सीर चीरे चो झग उन्होंने कटी। नहीं दोबार तो पूछ लो, खीरे पूछ लो, ये तो चंगी तरह नहीं कटी है कौड़ा। तो मेरे अब्बा जी केड़े और जो नीले रंग के ने। अच्छा, वो अब्बा इको होंगे साडे गरीबों को। ठीक है, वो अमीर आदमी हो गया सारे कितने कितने रखे। नहीं मैं फोटोस्टेट कराया जी, पहले चैन का साथियां नहीं है सारा। अब भाई मेरे ने टूटी वाली चैनक पहली दफा याद की थी। अरे शैतान की टूटी है, बेबे ने याद की थी। तुसी रिश्ते की गल करो जनाब। रिश्ते बड़े बड़े उच्चे आए जी सानू। अच्छा जी, सानू भी बहुत उच्चे रिश्ते। नहीं जी, सानू उच्चा ज्यादा रिश्ता नहीं आया। तुहानू की बांस का रिश्ता आ गया। वो भाई मुंह सवाल है, मैं तुम दसा बांस का रिश्ता आया, रिश्तेदारी की गल आया सारी। रिश्ता है तुम बड़ा बड़ा उच्चा। अच्छा, अजकल मुंडा चंद ते हुंदा जी। माशाल्लाह, इतने अपनी बरादरी ने बह के मशवरा किया कि मुंडा चंद ते आ, परसों सूरज से चला जाओ, मुंडा ते वाला कर दिया, इस वास्ते सीन कैंसल कर दिता जी। अच्छा अच्छा, जरा मुंडा चंद ते हुंदा। हां जी हां जी, समझ गया, जी माई चंद ते चरखा कर दी ना। हां जी, ओदी धी नाल उन्हें उत्ते ब्याह किया। ये तेनू किवें पता है? माई साडे पिंड दी है। और देखो थले की चंद चाड़ के आप चंद ते टुर गई। तुसी गल नहीं समझन दे, चौधरी का मुंडा इश्क करता सी माई की धी नाल। अच्छा, हां जी, ते उन्होंने मारिया कुटिया माई नू हवेली च बुला के। अच्छा, उन्हें कहा माई ये पिंड छड़ जाए, हरकत करी। माई इना ठर गई, चंद ते चली गई, उसे चरखा कट के अपना पेट पालती है। ओहो, बड़ी दुखी कहानी है यार तेरी वालदा जी। कभी अम्मा और मिलन भी गए? हर छह महीने बाद मैं जाना, जरा सूत्र कत्ते अंदर लिया के बेच देना, पैसे टीसीएस करा दी देने। पर तुसी की जाना जी, उसे मां मिलन, हम तो अंग्रेज जाते हैं। रोक लो जी, रोक लो या अंग्रेजों ने रोक लो। पैसे देन जाना। अच्छा, जा सकते हजार हजार के नोटों में तड़ावा पालना। यह पैसे तो मैं याद आया जी, ये अपने जेब पर खुदार भी पैसे किने को कमा लेंदा जी। जी बड़ा खाना पीना घर है साडा, जा बिस्कुट भी ले आने। अच्छा, हूं मजा आएगा ना जी, हूं पता लगे जी आया किसी का मुंडा साडा बहुत अच्छा जी। मशहूर की अपने किन्नी पी जी कमाई शमाई हो जाती है बच्चा जरा जी। जनाब डॉक्टर है मुंडा थे। अच्छा जी, हाँ जी, जरूर सिलवाना वहां पर। तैनू नहीं पता, मैं शुरू तो दर्शन के हाथ के कपड़े पाना। तो सीढ़ियों के नीचे क्या कर रहे थे आप? सीढ़ियों के नीचे उसे मैं नाप दे दिया। नाप सीढ़ियों के नीचे दिया जाता है? मैं की करा, उन्हें फीता ही उथे रखे। तू की करें दिया था ही होते? मैं एक मरीजा को देखने गया, मरीजा नु गुसलखाने च वेखी जा। मुंडा एक मुंडे का प्यो। ये मुंडा केड़ा जी? जेड़ा प्यो ना वड्डा मुंडा। नहीं जी, आ उरला मुंडा है भाई मेरा, वड्डे भाई ने, परले साडे वाले साहब ने। जनाब गर्मी क्यों खाते हो? रिश्ता माया गर्मी खान लगे, रिश्ता भी खान दिया तू। ए रिश्ता पहले कुड़ी का पांच छह बार ब्याह करिए, फिर बेवा हो गए, फिर इधर का रोक करिए। जनाब गर्मी क्यों खाते हो? जिस घर च बेई हो तो रोड़े आते ही वो तुम रोड़े मारो, तुम तो कच्ची मिट्टी के ढेले मारेंगे। चलो चलो, नहीं पता चल जाने, इतो नहीं पता चल नहीं है, रिश्ता चल गया है, चल चल निकल इतो, चले मैं इतो की गर्मी खाने लगे। गर्मी ने कही तो हल्की करिए, एडी आसर आई है। मैं कहना सबके मर जाओ भुखे हो, भुखे की तू रिश्ते की हा कर, मैं एक बिस्कुट और लिया ना। चल कम कर जाके, चल कर निकले, चलिया चल चलिया। मैं कहना
गया, सारा ही खा गया। कौन थे ये लोग? अमी बड़े साहब जी, मैं पूछता हूँ कौन थे ये लोग? मैं किया खैरा, आज जेड़ा मुंडा वेखने ओदे ही मगर पहचानने। की बगाड़े ऐसा दोवां भरावां ने तेरा? क्यों कौन थे ये लोग? मुंडा क्यों नहीं? रिश्ता देखने आए थे अपनी बच्ची के लिए, किसी खूबसूरत लड़के का। शुक्र है मेरे ते नहीं नजर पाए। बात कान खोल कर सुन लो, हल में मेरी मर्जी के बगैर इस किस्म की कोई हरकत नहीं होगी, समझे? मैं भी कानून का समा है, अगो को रिश्ता वेखन आला आया, मेरे को भी उम्मीद ना रखी। देखो गोरखंड आया तो उन्होंने कितने रहम दिया, इन्हें मैं नासापन दादा जी ये की चक्कर है? मैं वी लेना गोटे वाला तो बटा ले ला की बाजे में जाके लाल कर लो ने अच्छा तुम आपको याद करे और मैं कानून तेरा बात खड़ी इंतजार कर रही हूँ। और यार मैं मुसीबत खड़ी हो गई थी, उसका क्या करता? कौन सी मुसीबत? खाक को किसी के लिए अच्छा सोची। अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में भी सोच? हाँ सोचता हूँ एक शख्स के लिए, काश वो मेरी सोच को पूरा कर दे तो तुम्हारे लिए बेहतर सोच। कौन है वो शख्स? मेरे डैडी। उधर मजे उधर भी उसी तरह का एक बाबा बैठा है, लोग की कमरे ऐसी ऐसी लू आते ऐसी बाबे लू आए। मुझे बता मैं क्या करूं? बजाय बेला हम देखा किताबों की अलमारी को कितने छेड़ा है, किताब खा कर यानी मुझे अपनी किताबों से फुर्सत नहीं मिलती, पहले आपकी किताबों को क्या करें? किताबों को क्या करना? जाओ जाके जावेद साहब ने कहा उस किताब की दूसरी जिल दे दे। कौन सी किताब की? चलते बटन। ठीक है क्या मतलब? वो क्या देख रहे हो? जाओ जाके जावेद साहब किताब का पता नहीं घंटे क्या हो गया लोगों को, दिमाग खराब हो गया। छोड़ो लड़ाई को छोड़ो, ये बताओ कि मेरे अब्बा जी तुम्हारे घर क्या लेने जाते? मैं भी कितने दिनों से यही सोच रही थी कि आखिर तुम्हारे डैडी हमारे घर क्या लेने आते हैं। सुबेर का सिगरेट लाइन पे हाजिर टिकट नहीं भाव गया। अब्बा जी आप कमरे में आराम करें, मैं सिगरेट ले आता हूँ। और मैं डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ अब्बा जी? मैं आपका तो मुलाजिम हूँ। आजकल खोतिया ना लुटना भाई ने चल सिगरेट ला गया। इस वक्त तो एक मरीज आने आ रहा है, हर जानना के छट्टा है कटाहौल। मैं जा रहा हूँ, जा जल्दी आ जाऊंगा, फिक्र मत कीजिएगा। मैं कदों क्या फेरे अशरफ ने सुबह का तंबाकू भी नहीं मिलन दिया, बंदा हुक्का ही ताजा कर ले। दादी अलमारी में छेड़न दे हो, असि कभी दादी ने छेड़िया सी? आके छेड़ जाना सी, मैं को टकना सी, तंबाकू लबन नहीं गया। जाओ तेरे आगे वेखो जी दादी चादर वाली तस्वीर लगी हो, चादर पीछे करके वेखो पीछे तंबाकू पे है कि शायद दादा अलमारियां भूल गए जानी इतनी खूबसूरत। मैं पूछने आई थी आपको चोट तो नहीं है? ऐसी केड़ी गल है,
अंग्रेजों के टाइम की फिटिंग हुई। कोई आ गया ही लोग जाके ने भाई कमान डॉली शीशे की तेरे साथ गुजारी है, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी, कहां जाऊं समझ में नहीं आता किधर ही चली जाती हूं। आया मेरी शहजादी, मैं सारिया दीवारा तोड़ के तेन मिलने आ गया। किरण किरण चलिए तुरन फिरन किरण चल हूं रज के रोटी खा। दस बारह रोटियां खाई मत एक कदी खा के रस जाए ते साडी टी पार्टी खराब कर सके। किसे नु की पता हमने की होने वाला है। ए मां के आ बारो के दरसाते ही रवोगे। मैं क्या अंदर भी सीआर वेंदे रहे, मदान भी साफ है, जोड़ भी बराबर है, हूं रच के मिठिया मिठिया गल्ला करो। मिठिया मिठिया बुढ़े बारे शुगर ना करा ली। अपने हुसन का चानन मेरिया अखा च पा के अन्या करो ताके मैं अन्नी पावा। खुश कीता ही अन्नी दिया। मैं क्या अन्नी ये अखा की रोशनी का प्रोग्राम फिर किसी दिन ते रख लो, अज लोड शेडिंग ना तरसाओ मेरे दिल दिया तारा नू। मैं तो निज को कद मारनी है जलीम करप्ट बुढ़ा। इस वेले लोड शेडिंग हो जाए ते होर की चाहिए। बुढ़े बारे नेरे च छेड़ा लग गया, जमीन तो सीधे मंजी ते आओगे। मंजी ते क्यों, मैं रंगला पलंग बनवावांगा विच शीशा लवावांगा। उत्ते नाई बा दई दो कैंचियां एक उसरा बढ़ा दई। मैं क्या मैं लकड़ पसंद दी लाउनी जे। लकड़ जरा वाद लिखवा लेना। क्यों विचो तुहाडी कबर दे फटे निकल आनगे। कबर च कौन तुहाडे दुश्मन, हाली तुहाडी उम्र ही की। मैं क्या डॉक्टर दी मां ए मैं क्या डॉक्टर दी मां ई गल है डॉक्टर दी अबूस। ए मैं क्या डॉक्टर दी मां असी हनी मुन्नी कितने मनाऊ। हनी मुन्नी आओ किसे था भी मना लागे। ब्याह तो बाद बच्चिया का की प्रोग्राम है। बच्चिया का प्रोग्राम हां मकान के बाहर लिखवा लेना तुसी आशियाना पोल्ट्री फार्म। अल्लाह मेरी उम्र भी तुहानू लावे। मैं तेरा सामना करो डेढ़ दो महीने मेरे नाम ला। अल्लाह तुहानू लम्मी जिंदगी देवे। इस तरह सड़क से धंग से फिरो। एक काम बात तुहाडी मुलाकात दे खौफ दा के मैं ता जदों फुटबाल लैके गोली वांगू डीक बढ़ना सा। हाय मैं मर गई छापा। थोड़ी देर होर सीटी ना मारता गोल हो चले। बस मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपकी डैडी से कहूंगा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं नहीं जानता इसका क्या नतीजा निकले। डैडी तेरी महाराज ने मुझे जिंदा रहने का हौसला दी थी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा बेटा। आज तक किसी बाप ने अपनी औलाद को मरने नहीं दिया। वालदेन तो औलाद की जिंदगी की दुआ मांगते बेटे। जमीला बाहर आ। ये
तुम्हारी जिंदगी और ये तुम्हारे जिंदा रहने का हौसला। अरे जदी वो तो ये है, क्या मतलब? जदी मैं नाजरा से शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये कैसे हो सकता है भाई? ये मेरी जिंदगी है, वो तुम्हारी जिंदगी है, इन दोनों में से एक को इस घर में लाया जा सकता है। फैसला तुमने करना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी ज्यादा अजीज है या तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो। बताओ। लो खामोश हो। बाप को आजमा रहा था, समझ रहा था कि मैं ये चटपटाई बर्दाश्त कर दूं। बेटा नए जमाने को पुराने जमाने से टकराना चाहते थे। बुजुर्गों का एहतराम बड़ी चीज होता है, बुजुर्गों का एहतराम तो वो फसील होती जो कौमों को दिमाग रखती। अगर ये फसील टूट जाए तो कौमें बिखर जाती। मगर तुम क्या जानो बुजुर्गों का एहतराम? तुम तो उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने भी नहीं जाते। तुम अपनी अय्याशियों में मुसर्रतों में मगर रहो। अरे जालिमों, मुसर्रतों के साथियों, तमाजतों के दोस्तों, है कायनात दस मौसम रविश रविश चमन चमन। वाह जी वाह, मैं तो आपको शेर समझ पा रहा, आप तो सवा शेर मिले। हुन वक्त तो बदल गया है, हम सवा शेर नहीं अब ढाई शेर भी आता है। Thank you.